प्री फार्मेसी कर लेते हैं तो आपको तीन तरह के लाइसेंस मिलने की अनुमति मिल जाती है। मतलब कि सबसे पहले फार्मेसिस्ट तो आप बन ही जाओगे, केमिस्ट शॉप आप बिल्कुल खोल सकते हैं क्योंकि आपको उसका लाइसेंस मिल जाता है पीसीआई के द्वारा, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा आपको एक और लाइसेंस मिलता है कि होलसेल में, मतलब कि आप अपनी जो दवाएं हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप होलसेल में उसका एक बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों हम अगर बात करें तीसरे बेनिफिट की कि बी फार्मेसी करने के बाद में तीसरा क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अब यहां पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी आपको मिल जाता है, मतलब कि आप अपनी दवाइयां भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस लेवल पर आप वो काम करना चाहते हैं। दोस्तों लगातार जो आप लोगों के कमेंट्स थे हमारी वीडियोस पर, जो पिछली हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बारे में, आपको बताया बहुत कुछ, कैसे आप लाइसेंस लेंगे, कैसे एडमिशन लेंगे, क्या फीस होगी किस कॉलेज की, उन्हीं कमेंट्स को देखते हुए कि बी फार्मेसी में एडमिशन कैसे लेंगे, फीस क्या होगी, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कौन सी हैं और कौन कौन से तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं बी फार्मेसी करने के बाद, मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसके बारे में बहुत कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी का नाम सुनते ही क्लियर ये समझ आता है कि ये बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री है जो 4 साल की होती है, जिसके अंदर की 8 सेमेस्टर में एग्जाम्स कराए जाते हैं। वो कैसे एडमिशन होता है, फीस क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए, फीस के ही टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर आप लोगों के सवाल जो हैं वो फीस को लेकर ही हैं। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो फीस होने वाली है वो 60,000 से लेकर 1,00,000 तक पर ईयर की हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर दोस्तों आप लोग बात करते हो कॉलेजेस की, कॉलेजेस में फीस कितनी होगी बैचलर फार्मेसी को करने के लिए, जो कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं पीसीआई से, मतलब कि काउंसिल ऑफ इंडिया से, उनकी फीस भी लगभग 30-40 हजार रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों आप लोगों में से जो भी कोई पहली बार आया है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले, क्योंकि हम फार्मेसी से रिलेटेड, मतलब फार्मेसी में किस तरह से एडमिशन लेंगे, क्या अपडेट्स आए हैं, इनके लिए वीडियोस अक्सर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप चाहते हो फार्मेसी करना, फार्मेसी में आप बी फार्मेसी में ही एडमिशन क्यों ले, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अगर आप डी फार्मेसी करते हो तो आपको एक लाइसेंस मिलता है। एक लाइसेंस मतलब कि सिर्फ एक शॉप खोलने का लाइसेंस, मतलब कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट की शॉप खोल सकते हैं, पर अगर यहीं पर आप अगर बी फार्मेसी कर लेते हैं तो आपको तीन तरह के लाइसेंस मिलने की अनुमति मिल जाती है। मतलब कि सबसे पहले फार्मासिस्ट तो आप बन ही जाओगे, केमिस्ट शॉप आप बिल्कुल खोल सकते हैं क्योंकि आपको उसका लाइसेंस मिल जाता है पीसीआई के द्वारा, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा आपको एक और लाइसेंस मिलता है कि होलसेल में, मतलब कि आप अपनी जो दवाएं हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप होलसेल में उसका एक बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों हम अगर बात करें तीसरे बेनिफिट की कि बी फार्मेसी करने के बाद में तीसरा क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अब यहां पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी आपको मिल जाता है, मतलब कि आप अपनी दवाइयां भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस लेवल पर आप वो काम करना चाहते हैं। दोस्तों यहीं पर अगर देखा जाए बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी वही है जो डी फार्मेसी की होती है, मतलब कि 12th पास होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब कि किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड ऐसे बोर्ड से जो कि कम से कम लिस्टेड हो, जिसकी मान्यता प्राप्त वो बोर्ड हो, वहां से कंप्लीट किया है, और आपका पीसीएम या पीसीबी दोनों में से कुछ भी आपने किया हो, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12वीं पास की है, तो आप बिल्कुल फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, कंप्लीट करके इन तीनों तरह के लाइसेंस का फायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में बैचलर ऑफ फार्मेसी को लेकर या डी फार्मेसी को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही हम लोगों का फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, ताकि हर तरह की छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।